हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2023 से लिया हुआ एक एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट्स substantially to increased mean global temperature। global warming के बारे में question है, options में है देखो, decreased greenhouse gases in the atmosphere, increased tropical deforestation, decreased methane emission या फिर increased fossil fuel use। greenhouse effect आपको याद है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फियर में गैसेस की एक लेयर है, जब भी सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फियर में एंटर करती है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना चाहती है, मगर इस गैस की लेयर की वजह से वो यहीं पर ट्रैप की जाती है और उस वजह से अर्थ का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर मेंटेन रहता है जो यहाँ पर लाइफ होने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब उस वजह से यहाँ पर लाइफ है, राइट। इसका एग्जांपल हम कार, बंद कार है अगर और वो कहीं धूप में हमने रख दी, उसके सब ग्लासेस बंद है, दरवाजे बंद है और कुछ समय के लिए कड़ी धूप में हमने वो कार रख दी है, तो क्या होता है, सनलाइट की सनरेज तो अंदर चली जाती है मगर वो ग्लास की वजह से बाहर नहीं आ पाती, और जब हम कार का दरवाज़ा खोलते हैं तो कार के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हमें महसूस होती है, राइट। सो बस उसी तरीके से अर्थ को एक बड़ी कार समझ लो और ये जो ग्लासेस जो है हमारी कार के, वैसे ये ग्रीन हाउस गैसेस इसको प्रोटेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से सनरेज बाहर नहीं जा सकते और उस वजह से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहता है जो यहाँ पर लाइफ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ तक कहानी अच्छी है, मगर हम हैं ह्यूमन बीइंग, हम इन ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, राइट। तो जो फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं उनकी वजह से इनमें से कई सारे गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज होता है ना, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। इसके अलावा देखो, सेकेंड रीज़न है इंक्रीज ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन, हमने ट्रीज काटना शुरू कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट गायब होते जा रहे हैं। CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करके देगा, प्लांट्स ही कर देंगे ना, तो हम प्लांट्स का नंबर ही घटाते जा रहे हैं, तो ये एक रीज़न है, और फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा जलाया जा रहा है, ये एक रीज़न है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और जितनी हीट यहाँ पर चाहिए उससे ज़्यादा हीट यहाँ पर ट्रैप की जा रही है, दैट इज़ व्हाट ग्लोबल वार्मिंग, समझ रहे हो। इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो देखो फिर यहाँ पर ऑप्शन बी कह रहा है इंक्रीज ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, ये एक रीज़न है, और दूसरा ऑप्शन डी इंक्रीज फॉसिल फ्यूल यूज़, ये दो रीज़न है जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में क्वेश्चंस, ये बहुत कॉमन टॉपिक है, ये हमने जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया ये तो गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इस पेपर से था, मगर इस टॉपिक के ऊपर गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग इस पेपर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन TIFRGS वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन की एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी बायोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत जनरल टॉपिक्स हैं
इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी वीडियोस है वो भी देख सकते हो, बस टॉपिक आपसे आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। मेरा मेल आईडी शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन भी है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।